गुड मॉर्निंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर पेपर. ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं UPPCS GIC लेक्चर एग्जाम 2012. ओके, एंड आई डोंट थिंक कि मुझे आपको बताने की नीड है कि प्रीवियस ईयर पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो हम प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो उससे हमारा एक बैकग्राउंड रेडी हो जाता है, हमें एक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, एंड सेकेंड थिंग ये है कि कभी कभी प्रीवियस ईयर पेपर से डिट्टो क्वेश्चन हमारे पेपर में हमें मिल जाता है. ओके, तो ये हमारे लिए डबल बेनिफिट हुआ. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन द नोकिंग एट द गेट इन मैकबेथ. ये ऐसे किसने लिखा है? ओके, यू नो ये उस पर बेस्ड है, मैकबेथ पे, शेक्सपियर के. तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है TGT में और PGT में. ओके, किसी भी एग्जाम में हो सकता है. तो हमको अच्छे से याद रखना है कि ये ऐसे लिखा है थॉमस डे क्विंसी ने. ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सोर्स ऑफ द प्लॉट ऑफ हयाद्दा ए प्ले बाई ग्रीस कर्नाड. ओके, ग्रीस कर्नाड का जो ये प्ले है हमें बताना है इसके बारे में, इसके सोर्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है. ओके, तो इसमें जो स्टोरी है ना पद्मिनी की फ्रॉम नाट्य शास्त्र, यहाँ से इसका सोर्स नहीं है. ओके, और जो ये आप पढ़ लेना ऑप्शन इनसे है. ओके, तो हमें यहाँ से एक पॉइंट हमें ये मिला पेपर के लिए कि हमें हर प्ले का सोर्स याद करना है. ओके, कि वो उस प्ले का सोर्स या प्लॉट कहाँ से लिया गया है. ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं. द ओल्ड मैन हैड टॉट द बॉय टू फिश एंड द बॉय लव्ड हिम. द नेम ऑफ द ओल्ड मैन इन हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी. यू नो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा जिसने इसकी थोड़ी भी समरी पढ़ी होगी कि उसमें जो नेम था ओल्ड मैन का वो क्या है. यू नो अच्छे से आपको याद होगा ये है सेंटियागो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जॉन ड्राइडन इन इज हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव टेक्स द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर. कहाँ से लिया उन्होंने ऑल फॉर लव की स्टोरी? यू नो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये एंटोनियन क्लियोपेट्रा से लिए. ओके, ब्लैंक वर्स में लिखा था ये. नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन चौसर डिस्क्राइब द फ्रायर एज अ नोबल पिलर ऑफ ऑर्डर ही इज यूजिंग. यू नो अब आपने चौसर का ये पढ़ा होगा, यू नो फ्रायर वाला करेक्टर, तो आपने देखा होगा कि फ्रायर कैसे होते हैं, यू नो पूजा पाठ करने वाले. और उसमें जो चौसर ने उसने उनकी एक अलग इमेज दिखाई है, तो एक बोला है एज ए नोबल पिलर ऑफ ऑर्डर. यू नो तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, एक आयरनी. यू नो एक क्या कर रहे हैं, एक मजाक, एक ऐसा मजाक बना रहे हैं उनका एक तरह से, आयरनी है ये. तो ये क्या हुआ हमारा आंसर, आयरनी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आयरनी होती है, मतलब ऐसे जैसे कुछ स्ट्रेंज लगता है, अम्यूजिंग लगता है, यू नो तो उसको आयरनी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव ये किससे एसोसिएट है? तो ये एसोसिएटेड है कॉलरिज से. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यू नो पढ़ा ही होगा आपने, थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा तो. यू नो कॉलरिज ने 1817 में जो उनका वर्क आया था बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसमें इसका मेंशन किया है. और उसमें मतलब इस तरह से बताया उन्होंने, जो ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव है ये इस तरह से है जैसे हम क्या करते हैं फिक्शनल इवेंट को या करेक्टर्स को, यू नो ऐसे एक्सेप्ट करने लगते हैं जैसे वो क्या हो, रियल हो. ओके, जैसे खुद मैं भी जैसे कभी कोई मूवी देखती हूँ तो रोने लगती हूँ अगर किसी हीरो के साथ या किसी मतलब मेन करेक्टर के साथ कुछ गलत हो रहा होता है. ओके, तो हम क्या होते हैं, हम एक बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में फील करने लगते हैं, यू नो इस तरह की फीलिंग आने लगती है. तो यही बोला है कॉलेज ने. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इंटू ये तो बताने की नीड ही नहीं है. पता नहीं मैंने कितनी बार बताया होगा. कितनी बुक्स में है ये? 12 बुक्स में है. ओके, 1667 में 10 बुक्स आई हैं और 1674 में 12 बुक्स. ओके, जब उसका सेकेंड एडिशन आया था. पोइट्री इज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी ये किसने कहा है? आपको अच्छे से पता होगा, ये बोला है पर्सवर्थ ने. ओके, पोइट्री क्या है? एक इमोशन है जो कलेक्ट हुआ है ट्रैंक्विलिटी में. ओके, नेक्स्ट डिकन्स किस एज से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से. अब हमें यहाँ से एक पॉइंट ये मिला कि हमें अपने आने वाले पेपर के लिए क्या रेडी करना है कि कौन सा राइटर किस एज से बिलोंग करता है. ओके, एटलीस्ट जो हमारे सिलेबस में है वो तो हमें याद करना ही है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. द यू मैन इन चौसर्स प्रलोग कैरी इन इज हैंड तो जो चौसर का प्रलोग था, यू नो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. तो ये क्या लेके चलता है वो हाथ में अपने, यू नो एक वेपन होता है माइटी, वो लेके चलता है. नेक्स्ट, हु सफ़र फ्रॉम सेल्फ लव इन ट्वेल्थ नाइट कौन सफ़र करता है सेल्फ लव से ट्वेल्थ नाइट में? आप बताओ कौन सफ़र करता है? मालवेल्यू.
यू नो मालवेलियो को कहती है वो, कौन कहती है? ओलिवर कहती है यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, तुम क्या हो सेल्फ लव से क्या हो सफर्ड हो, ओके यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मालवेलियो, ऐसा बोलती है ट्वेल्थ नाइट में. ओके इन विच प्ले डज दिस लाइन अकर, अब बताओ ये लाइन कहाँ पर आती है? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये फर्स्ट लाइन है ट्वेल्थ नाइट की. ओके आपको याद रखना है ड्यू कोर्स इन्होंने बोलता है ये, अगर यू नो मतलब एक तरह का रेफरेंस है दिया है उन्होंने कि जैसे म्यूजिक क्या होता है, हम प्यार के लिए एक भोजन की तरह काम करता है ना, तो ऐसे ही मतलब अगर म्यूजिक है फूड ऑफ लव तो प्ले ऑन, इसको चलते रहने दो बसते रहने दो. ओके मैंने एक्सप्लेन करके पढ़ाया है ऑलरेडी एक वीडियो में अपनी. द फायर सर्मन इन इलियट्स द बेस्ट प्लान, ये कौन सा पार्ट है? ये तो आपको पार्ट याद करना ही है. ओके इसके सारे पार्ट सिक्वेंस में एक क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं यहाँ पे नहीं बता रही, बस मैं आपको यहाँ पे इतना बताऊँगी कि ये पार्ट थर्ड है. ओके आपको याद रखना है. नेक्स्ट देखते हैं, मैडम सोशलिस्ट इज ए करेक्टर इन, कहाँ पे आई है ये करेक्टर है? टी एस इलियट के वेस्टलैंड का, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा वेस्टलैंड की समरी एटलीस्ट. स्टैनले बेवर इन द बर्थडे पार्टी प्रिटेंड्स टू बी ए बर्न टाइम, क्या प्रिटेंड करता है कि वो क्या है एक प्योनिस्ट है, यू नो प्योन मतलब हो जाता है, तो वो क्या है उसने अपने आप को क्या प्रिटेंड किया है, वो क्या है एक प्योनिस्ट है. ओके ओके डब्ल्यू बी ईट्स ने यूज़ किया है वाइजेंटियम, यू नो उनके ये प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वर्क वाइजेंटियम सेलिंग टू वाइजेंटियम, तो उसमें जो एज ए सिंबल यूज़ किया है तो वो किसका सिंबल है? वो है आर्टिस्टिक परफेक्शन का. ओके याद रखना है आपको आर्टिस्टिक परफेक्शन. नेक्स्ट एडोनिस किसकी डेथ पे विलाप करता है ये बताना है आपको. एडोनिस ये तो आपको याद ही होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए हैं यू नो जॉन कीट्स की डेथ पे. ओके हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी जॉन कीट्स. ओके नेक्स्ट देखते हैं, एडोनिस विलाप करते हैं जॉन कीट्स की डेथ पे. ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इज बट ट्वाइज रिनोन एंड ग्रेस इज डेड द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन एंड द मेयरलेस इज लेफ्ट दिस वर्ल्ड टू ब्रैग ऑफ, ये किस प्ले में है शेक्सपियर के? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये क्योंकि ये टीसीटी पीजीटी में भी आ सकता है यू नो. तो क्या बोला है इसमें, ऑल इज बट ट्वाइज मतलब आप समझो खुद ही बोला है कि सब कुछ क्या है खिलौना यू नो, मतलब कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, सब कुछ क्या हो चुका है मीनिंगलेस हो चुका है. ये कब बोला गया है? शेक्सपियर में जो मैकबेथ है, शेक्सपियर का करेक्टर मैकबेथ यू नो उनके प्ले मैकबेथ में जब किंग डंकन का मर्डर हो जाता है उसके बाद का है ये, तो उसमें क्या वो कह रहे हैं कि सब कुछ क्या हो चुका है मीनिंगलेस यू नो, हम जब तक ये तो क्या कर रहे हैं मतलब चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हैं जब तक वी आर अलाइव, फिर उसके मरने के बाद तो क्या है सब मीनिंगलेस है यू नो. ऑल ग्रेस डिस्टिंक्शन ये सब क्या हो चुकी हैं, जो कि वो एक राजा थे किंग डंकन वो सब क्या हो चुकी हैं डेड हो चुकी हैं, सारी जो उनकी प्रसिद्धि थी ग्रेस था यू नो लिखा है ना ग्रेस इज डेड, द बाइन ऑफ लाइफ जो उनकी जिंदगी की मतलब बाइन है यू नो एक सिम्बोलाइज किया है इसमें, तो वो क्या हो चुकी है ड्रॉन मतलब क्या हो चुकी है वो क्या हो चुकी है पोर्ड अवे हो चुकी है उड़ल चुकी है, एंड द मेयरलेस इज लेफ्ट दिस बोल टू ब्रैग ऑफ, और अब क्या बचा है इस सारे संसार में ओनली द ड्रिक्स रिमेन यू नो, क्या बचा है केवल एक तुच्छ चीज़ें यू नो बची हैं अब कुछ नहीं है यू नो, मरने के बाद कुछ नहीं बचता एज यू नो, हम जब तक इन चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जब तक हम जिंदा हैं. ओके तो ये ऐसा ही बोला है शेक्सपियर में शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में. ओके नेक्स्ट देखते हैं, अगेंस्ट हुम किसके अगेंस्ट ड्राइडन का जो अप्सरम एंड एस्ट्रोफर है डायरेक्ट किया गया है. ओके तो आपको याद रखना है ये सेडवेल के अगेंस्ट किया है. ओके नेक्स्ट देखते हैं, यू नो काफ़ी लेंथी है ये पेपर तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे इसको रिपीट मतलब फास्ट चलेंगे. नेक्स्ट देखते हैं, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज आर अनहर्ड आर स्वीटर, यू नो जो आपको पता ही है यू नो एक ह्यूमन नेचर होता है, क्या होता है ह्यूमन नेचर जो चीज़ मिल जाती है उसकी वैल्यू कम होती है, और जो चीज़ अनहर्ड है यू नो जो चीज़ हमसे दूर है वो क्या होती है हमारे लिए स्वीटर यू नो बहुत प्यारी होती है यू नो, तो ऐसा ही बोला है ओडो ने ग्रेसियन अर्न में. ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं अच्छे से वो करती हूँ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलर्जी रिटन बाई मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ आर्थर क्लो, बताओ कौन सी एलर्जी है जो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है बताओ आप, ये तो आपको पता ही होगा ये तो इजी है थायरोसिस. ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं, हु इमिटेटेड
sorry, who initiated the drama of ideas England in 20th century? ये मैंने उसमें करा रखा है कम्युनिटी में क्वेश्चन, किसने इनिशिएट किया है ये आइडिया, द ड्रामा ऑफ आइडियाज इंग्लैंड इन द 20th सेंचुरी? तो ये है जॉर्ज बर्नार्ड शाह का. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद टी एस एलियट. तो कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? अगर आपको ये भी याद हो ना क्या कि जो निगेटिव कैपेबिलिटी है वो किससे बिलोंग करता है, जॉन कीट्स से, तभी आप आइडिया लगा लोगे कि ये नहीं है. ओके, मतलब अगर ये जॉन कीट्स से है तो ऑब्वियसली ये टी एस एलियट से नहीं होगा. तो हमारा जो ये है इम्पर्सनैलिटी इन पोएट्री, ऑब्जेक्टिव क्वालिटी और टी एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये टी एस एलियट के हैं. और ये निगेटिव कैपेबिलिटी किसका है, आपको बता चुकी हूँ, जॉन कीट्स का. ओके, उन्होंने कॉइन किया था ये. नेक्स्ट देखते हैं, द बेस लैंड किसको डेडिकेटेड है, ऑब्वियसली एज्रा पाउंड को. नेक्स्ट, द ओड टू द बेस्ट विंड हैज, बताओ क्या था ओड टू बेस्ट विंड में, फाइव क्या थे, स्टंजा. ओके, याद रखना है आपको. अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें जो वर्ड्सवर्थ के ओड वगैरह हैं उनके स्टंजा वगैरह भी याद रखना है, उनकी लाइन वगैरह कितनी है उसमें. ओके, डैफोडिल्स में. ओके, इस तरह से आपको याद करना है. यू नो, मैंने आपको बताया ना प्रीवियस ईयर पढ़ने से क्या होता है, एक हमारा हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एसे ऑन क्रिटिसिज्म किससे एसोसिएट है, बताओ आप किससे एसोसिएट है, ये एसोसिएट है अलेक्जेंडर पोप से. ओके, वन ऑफ दिस पोएट इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, अच्छे से पता है आपको, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा आपने लिटरेचर. तो ये एसोसिएट है किससे, विलियम शेक्सपियर से. इनमें से कौन सी पेस्टोरल एलर्जी नहीं है, बताओ आप कौन सी नहीं है, जो लिसिडस हैमिल्टन की वो तो पेस्टोरल एलर्जी है, कौन सी नहीं है हमें ये बताना है. तो इसमें जो इन मेमोरियम बाई टेनिसन है ना, ये नहीं है, बाकी सब ये एलर्जी हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन वाज पैन वाई, यू नो किसने, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन किसने किया था, ये किसका है, वो जस्ट सेकेंड, ये है बोसवेल का. ओके, जेम्स बोसवेल का है. नेक्स्ट, हु बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1660, कौन बना था इंग्लैंड का राजा 1660 में, आपको आप बताओ पहले फिर मैं बताऊंगी, बना था चार्ल्स सेकेंड. ओके, इन एज यू लाइक इट, रोजा रेड किससे प्यार करती है, ऑब्वियसली आपको याद होगा ओरलैंडो से प्यार करती है. ओके, ओरलैंडो, रोजालिन ने अपना कि खुद को कैसे डिस्गाइज किया था, गैनीमेड वेज बदल दिया था उसने जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में गई थी. ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किस पोएम की लाइन है ये, विंटर इज कम एंड गोन बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर, मतलब विंटर आता है जाता है लेकिन दुख क्या होता है, दुख भी आता है, किसके साथ, जब रिवॉल्विंग ईयर होता है ना, साल घूम के आता है तो दुख भी, यू नो मेमोरीज होती है ना हमारी, तो याद आती हैं वो दुख वाली बातें. तो ऐसा ही बोला है, अब किसने बोला है ये बताना है. तो ये बोला है सैली की एडोनिस में. ओके, सैली की एडोनाइस में. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन, अब बताओ आप क्या कहने की कोशिश की है. जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पे जो लाइन है ये मैकबेथ में है. ओके, और यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है, इसमें ये कहा गया है कि जो हो गया ना वो हो गया, यू नो व्हाट इज डन, मतलब ही शुड जस्ट फॉरगेट, उसे भूल जाना चाहिए इस बात को, किसको, मैकबेथ को, कि उसने क्या किया है, राजा डंगन का मर्डर किया है, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकता ना, बिकॉज देर इज़ नथिंग ही कैन डू अबाउट इट. ओके, अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो व्हाट इज डन, जो हो गया हो गया, मैकबेथ का है ये. ओके, कौन जाना जाता है, हेलेनिक स्प्रिट के लिए. ओके, आपको ध्यान रखना है, कीट्स. नेक्स्ट, हु सेड, किसने कहा, ग्रेट बिट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर अलाइड, यू नो जो ग्रेट बुद्धिमत्ता है ना वो किसके नियर अलाइड, अलाइड मतलब किससे कनेक्टेड होती है, मैडनेस से, मतलब लगभग आपको पता ही है कि हर जीनियस को, आपने सुना भी होगा, ऐसे बोलते हैं कि हर जीनियस को पहले पागल माना जाता है, यू नो इस तरह का आपने सुनी होगी ये क्लीसे सी. तो ऐसा ही कुछ कहा है इन्होंने, जो ग्रेट बिट्स है ना, तो ये ड्राइडन ने बोला है, किसके लिए बोला था ये, अर्ल ऑफ सेंसवरी को एड्रेस करके बोला था. ओके, जी बी सा बर्थ से कैसे थे, आयरिस. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रेप ऑफ द लोक में पोप ने रिपीटेडली कंपेयर किया है वेलिंडा को, किससे कंपेयर किया है, सन से. ओके, ये तो बहुत ईजी.
पोइट्री एट बॉटम इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. किसने कहा है? पोइट्री जो है बॉटम से कैसी है, लाइफ का एक क्रिटिसिज्म है, उसकी आलोचना की है, लाइफ की आलोचना है. तो ये मानना था मैथ्यू अर्नोल्ड का. ओके ओके. किसके स्टाइल को कहा गया है मिडिल स्टाइल? होर स्टाइल वाज कॉल्ड द मिडिल स्टाइल बाय डॉक्टर जॉनसन. किसके स्टाइल को कहा था डॉक्टर जॉनसन ने? जोसेफ एडिशन की. ओके नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन अरिस्टोटल्स पोइटिक्स मीन्स रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन यू नो ये आपने याद नहीं, आपने याद ही किया हुआ है. चारों टर्म ही इंपॉर्टेंट है. ये हर बार इन टर्म में से एक नया क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको याद रखना है. रिकॉग्निशन मतलब एनाग्नोसिस, यू नो क्या मतलब है इसका? एनाग्नोसिस मतलब क्या है? एक डिस्कवरी, यू नो ऐसी खोज जो प्रोड्यूस करती है एक चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज. ओके ये अरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स में बताया है. ओके एक ऐसी डिस्कवरी जो प्रोड्यूस करती है एक चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज. ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं. हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ओटाबरीमा? ओटाबरीमा में कितनी लाइन है आपको बताने की क्या जरूरत है? तो ओटावा से ही पता चल रहा है कितने लाइन है, 8 लाइन है. ओके राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए बी ए बी सी सी. ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं. विद विच पोएटिक फॉर्म इज द नेम ऑफ पेट्रार्क एसोसिएटेड? यू नो आपने अच्छे से सुना होगा पेट्रार्कन सोनेट, तो आपने कनेक्ट कर लिया होगा पेट्रार्क से. ओके सोनेट यू नो. ओके नेक्स्ट देखते हैं. द रेनेशा अब पेट्रार्क और सोनेट के बारे में तो आपको पता ही है, राइमिंग स्कीम वगैरह इसकी, इसको यू नो इंग्लिश सोनेट नहीं नहीं सॉरी पेट्रार्क और सोनेट अलग है. इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? अब्बा अब्बा सी डी ई सी डी ई. ओके पेट्रार्क और सोनेट डिवाइड होता है 14 लाइन्स में, आपको पता ही है. दो सेक्शन में 8 लाइन स्टैंजा ओक्टेव और 6 लाइन स्टैंजा सस्टेड. ओके ओक्टेव वाली राइमिंग स्कीम अब्बा अब्बा मैंने ऐसे याद करके याद की है, ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई. ओके नेक्स्ट देखते हैं. द रेनेशा मेड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन, रेनेशा ने किस पे अपना प्रभाव दिखाया है? तो रेनेशा ने अपना प्रभाव दिखाया है रोमांटिक पोइट्स पे. ये क्वेश्चन आ सकता है. ओके अच्छा है ठीक है. रेनेशा क्या था? एक फ्रेंच वर्ड था यू नो जिसका मतलब है रिवर्थ, जो रिफर करता है एक ऐसे पीरियड को ऐसी जो यूरोपियन सिविलाइजेशन में यू नो जो यूरोपियन सिविलाइजेशन में क्या हुआ था, एक मतलब उभरा था और एक इन्होंने दिखाया कि जो रेनेशा है इसका मतलब कि रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, जो क्लासिकल लर्निंग है ना उसका क्या हुआ है रिवाइवल, यू नो पुनर्जीवित हुई है वो. ओके क्लासिकल लर्निंग और विजडम उसका रिवाइवल हुआ है, इसी को रेनेशा बोला गया. ओके और ये स्टार्ट हुआ था इटली में ठीक है, और इसका प्रभाव किस पे पड़ा है? रोमांटिक पोइट्स पे. ओके एक पॉज नियर द मिडल ऑफ ए लाइन इन पोम क्या कहते हैं उसको, याद रखना है आपको. यह सिजूरा. ओके मतलब एक ब्रेक होता है बिटवीन बर्ड्स विद इन ए मैट्रिकल फुट. ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं. किसने डिफाइन किया है मेटाफिजिकल पोइट्री को? एज द मोस्ट हिट्रोजीनियस आइडिया योग टुगेदर बाय वायलेंस, ये है डॉक्टर जॉनसन ने डिफाइन किया है. ओके अब हमें कोट बताना है इसमें कौन सा ट्रू है ठीक है. द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी स्पेशली द पीरियड आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट इज नोन एज द मॉडर्न एज. ओके आपको पता ही है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद के पीरियड को क्या माना गया, 20th सेंचुरी का अर्ली पीरियड यू नो. और मॉडर्न एज में क्या इन्वॉल्व होता है? एक रेडिकल एक कॉन्सियस ब्रेक विद द पास्ट, यू नो पास्ट एक ब्रेक हो गया. वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी आपको अच्छे से पता है, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करके कर सकते हो. रिजेक्शन हो गया था किसका? कन्वेंशनल विक्टोरियन मॉरलिटी का. ओके उसको रिजेक्ट कर दिया था पहली थ्योरीज को, एंड इन्वेंशन हुआ नए फॉर्म का. ओके तो दोनों स्टेटमेंट कैसे हुए? करेक्ट हुए. ओके जितना लंबा क्वेश्चन होगा उतना ही मुझे लगता है कि वो करना आसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसमें से कोई ना कोई पॉइंट कैच कर ही लोगे जो हमें सही आंसर दे देगा. ओके तो 76 में हमारा आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड ट्रू आर करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ठीक है. ओके एलिजाबेथन सोनेट यू नो ये उसका बताना है जो एलिजाबेथन सोनेट है वो कितना मतलब किससे कंसिस्ट होके बनता है, तो वो बनता है 3 क्वाड्रेंट्स एंड ए कपलेट. ओके आपको याद रखना है इसको, हम एलिजाबेथन सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट कह सकते हैं यू नो, शेक्सपियरियन सोनेट कह सकते हैं. ओके 3 क्वाड्रेंट होती है शेक्सपियरियन सोनेट में,
और एक कपलेट होता है, आपको पता ही है, और एक कंक्लूडिंग कपलेट होती है लास्ट में इन आयम्बिक पेंटामीटर में। राइमिंग पैटर्न वही है इसका, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी जी। ओके ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव कोलेटिव सिग्निफाई द राइटर एबिलिटी, ये बताती हूँ मैं आपको। ऑब्जेक्टिव कोलेटिव, ओके, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि जो कोइन है, किया था ये टर्म, वो किया था वाशिंगटन एलिस्टन ने, ओके, और इसको पॉपुलराइज किया है टी एस इलियट ने, ओके। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव कोलेटिव है, ऑब्जेक्टिव कोलेटिव है, इसमें ना जो एक चीज़ों का ग्रुप होता है या इवेंट्स का होता है, वो सिस्टमेटिकली ना हमारे जो इमोशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, ओके। आई थिंक आप समझ गए होंगे, जो हमारे इमोशंस हैं ना, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताऊँ तो वो ये है कि जो हमारा इमोशंस हैं उनको सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट करना ऑब्जेक्टिव कोलेटिव है, ओके ओके। तो इसमें हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आप बताओ क्या हुआ, ऑब्जेक्टिफाई द डिजायर्ड स्टेट ऑफ माइंड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, निगेटिव कैपेबिलिटी इज, क्या है निगेटिव कैपेबिलिटी, मैंने आपको पहले भी बताया है इसी पेपर में, अभी पहले भी इसका डिस्कस हुआ था कि किससे बिलोंग करती है, जॉन कीट से, है ना। 1817 में लेटर लिखा था उन्होंने अपने ब्रदर्स को, जॉर्ज को और टॉम को, उसमें डिफाइन किया था। और निगेटिव कैपेबिलिटी का ना कीट्स ने शेक्सपियर को प्राइम एग्जाम्पल माना है, ओके। और उन्होंने मतलब उनके वर्क के लिए कहा है कि वो क्या होता है, उन्होंने मतलब एग्जाम्पल देके बताया है शेक्सपियर को कि बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, ओके। इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है, यू नो क्या करना होता है कि जो खुद को ना, खुद को मतलब जब हम कोई वर्क लिखें तो खुद को क्या करना होता है, डी पर्सनलाइज करना होता है, ओके, डी पर्सनलाइज एम्पैथी विद एक्सपीरियंस, ओके ओके। एक पिकरस्क नॉवल कैसा होता है, रियलिस्टिक इन मैनर, एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर, सैटरिक इन एम, ओके, सब ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पिकरस्क नॉवल एक, थोड़ा सा बता देती हूँ चलो इसके बारे में, एक डिफाइन करता है मतलब एक टाइप ऑफ एडवेंचर फिक्शन, यू नो, एक जो स्टोरी है इसमें, जो पिकरस्क नॉवल की जो स्टोरी होती है वो फोकस करती है एक रोग, यू नो, एक ऐसा करेक्टर होता है जो ट्रेवल करता रहता है यहाँ वहाँ, एक दुष्ट करेक्टर, यू नो, इस तरह का। तो आपको ये तीन पॉइंट याद रखने हैं कि वो रियलिस्टिक होते हैं मैनर में, एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर, एसेट्रिक इन एम, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी आपको अच्छे से याद होगी, गोरबटक आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा भी रखा है ऑलरेडी, गोरबटक याद रखना है आपको, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है ये, ब्लैंक वर्स में है और लिखी गई थी थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल के द्वारा, ओके। किसने प्रोपाउंड किया है द थ्योरी ऑफ द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इन पोएट्री, ओके। आप पहले भी आया क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये मूवी है, ये फिक्शनल है, ये रियल नहीं है, ओके, ऐसा कॉलेज ने कॉइन किया है ये, ओके। किसने डिफाइन किया है रोमांटिसिज्म को, एज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, ये किया है वाल्टर पीटर ने, रोमांटिसिज्म को डिफाइन किया है, ओके, एक एडिशन है मतलब ऐड कर देता है स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू क्लासिकल पोइट्स वैल्यू करते हैं रीजन को ओवर इमेजिनेशन, यू नो, अब आप अच्छे से पढ़ना कि जो न्यू क्लासिकल पोइट है ना वो इमेजिनेशन को वैल्यू नहीं करके किसको वैल्यू करते हैं, रीजन को, ओके, एंड इंटेलेक्ट को किस पे, इमोशन पे, यू नो, इमोशन से ऊपर वो किसको रख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल चीज को रख रहे हैं, ठीक है। और वे इंस्पायर्ड हैं किससे, कॉर्नेली, रैकिन, निकोलस एंड लाब्रू, ओके। तो ये हमारा दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो हमें यहाँ से न्यू क्लासिकल पोइट के बारे में एक बात पता चली कि वो बहुत ही लॉजिकल, ओके, और रीजनेबल चीज़ों को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है अपनी राइटिंग में, ओके। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ इसमें, बोथ ए एंड आर ट्रू, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एड प्रीफिक्स टू वर्ड, ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। अब हमें फिलियल, फिलियल क्या होता है, यू नो, संतानीय, संतानीय मतलब एक फिलियल अफेक्शन, एक मतलब कनेक्शन होता है विद, किसके साथ, बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, उसको बोलते हैं फिलियल। तो यहाँ पे हमें जब प्रीफिक्स लगाएंगे, मैंने प्रीफिक्स पे
शॉर्ट्स भी बना रखा है, आप चाहे तो वो देख सकते हो। तो प्रीफिक्स यू नो पहले लगाना है हमें, पहले जोड़ना है, तो क्या लगाएंगे? अनफिलियल एक वर्ड होता है। ओके अब हमें यू नो इस तरह का वर्ड बनाना था, प्रीफिक्स लगाना था जिसका कुछ मीनिंग हो। ओके अब हमें यहाँ प्रीपोजिशन लगानी है, सी अपीयर्ड इनोसेंट द क्राइम। बताओ आप क्या होगी? सी अपीयर्ड वो कैसी प्रतीत हुई? इनोसेंट ऑफ द क्राइम। ओके नेक्स्ट देखते हैं, डोंट ट्रस्ट ए मैन, उस व्यक्ति पर ट्रस्ट मत करो हु ब्लो हिज ओन ट्रम्प्ट, जो अपनी तुराई बजा रहा है, यू नो अपनी तारीफ किया जा रहा है, प्रेज हिमसेल्फ, उस पर ट्रस्ट मत करो, करना भी नहीं चाहिए। ए गुड समार्टन कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति बहुत ही जेन्युइन सा, दूसरों की हेल्प करता है, उसको बोलते हैं ए जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन। ए ल्यूपर्ड, ल्यूपर्ड चेंज हिज स्पॉट्स एज ओफन एज ही गोज फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। अब आपने हिंदी में ना एक सुना होगा अलंकार सलेस, क्या होता है सलेस में? ना कनक कनक ते सोगुनी, जैसे एक कनक का मतलब कुछ और होता है, धतूरा है ना, एक कनक का कुछ और होता है, तो क्या होता है वो? पन होता है वो। ओके मैंने आपको इसे हिंदी में करके बता दिया, प्ले ऑन वर्ड्स। डॉक्टर जॉनसन ने इसको पन को ना फैटल क्लोपेट्रा बोला था। ओके आपको ये भी याद रखना है। एक ऐसे वन वर्ड बताना है जो क्या करता है, जिसने क्या किया, वन हु डेजर्ट हिज रिलीजन, जिसने अपना ही धर्म को त्याग दिया, छोड़ दिया, रेनिगेट। ओके अपोस्टेट, क्या बोलते हैं उसको? अपोस्टेट, रेनिगेट। एक वर्ड बताना है जिसमें क्या है, मर्डर ऑफ ए ब्रदर, भाई का मर्डर। भाई का मर्डर क्या होता है? फ्रेटरीसाइड। होमिसाइड क्या होता है? यू नो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को मार देता है, किलिंग ऑफ वन पर्सन बाई अनदर पर्सन। ओके और रेजिसाइड यू नो द एक्शन ऑफ किलिंग ए किंग। और पैट्रिसाइड क्या होता है? द किलिंग ऑफ वंस फादर। ओके अब यहाँ पे हमें करेक्ट प्रिपोजिशन भरनी है। इफ़ यू आर अवर्स, इफ़ यू आर अवर्स रिकमेंडिंग माई नेम, मैंने आज ही पढ़ाया है इस पे शॉर्ट्स, अवर्स का मीनिंग। अवर्स क्या होता है? मतलब स्ट्रोंगली डिसलाइक करना। ओके तो जब तुम क्या करते हो, जब तुम्हें रिकमेंड करने में मेरा नेम क्या होता है, तुम्हें पसंद नहीं है, If you are averse to, okay, तो you should not hesitate to admit it. तो तुम्हें क्या करना है? Hesitate नहीं करना है इसको admit करने में. Okay, तो इस बात को स्वीकार कर लो, इस बात को हिचकिचा के रहे हो अगर तुम क्या करते हो, If you are averse to recommending my name, अगर मेरा नाम recommend करने में. Okay, okay, next देखते हैं, The pen is mightier than the sword. ये example किसका है? You know, ये example है metonymy का. Metonymy क्या होता है? Change of name. पेन का यू नो पेन का कि जो पेन नहीं बोला यहाँ पे, पेन से मतलब थोड़ी है, पेन से पेन की जगह क्या मतलब है इसका? मतलब नाम चेंज कर दिया, नाम क्या है? पावर ऑफ राइटिंग, जो लिखने की पावर है ना वो किससे शक्तिशाली है? एक सोर्ड, तलवार से भी ज़्यादा शक्तिशाली है. ओके तो क्या करा? चेंज ऑफ नेम. तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा? मटोन भी हो गया. लीथल, लीथल का बताना है हमें सिनोनियम, जो बेस्ट एक्सप्रेस करता है क्या होता है लीथल? डेडली यू नो पॉइजनस, फैटल, घातक, डेडली. अब यहाँ पे क्या करना है? इसको लगाना है कोड में, लगाना है, अरेंज करना है. करो अरेंज आप इसको. अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर यू नो अलेक्जेंडर कौन था? एक ग्रेट कंक्यूरर. तो क्या लगाएंगे? अलेक्जेंडर हु वाज ए ग्रेट कंक्यूरर, जो क्या था? एक विजेता था. ओके क्यू, ओके क्यू वाला हमारा एक ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं और मिला के. जो एक ग्रेट कंक्यूरर था, वाज ए क्या था? डिसिपल ऑफ अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का शिष्य था, हुम द वर्ल्ड एक्नॉलेज एज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर, जिसको संसार कैसे एक्नॉलेज करता है? कैसा? एज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर द वर्ल्ड हैज एवर नोन, मतलब ऐसा जैसे संसार में ऐसा कभी कोई इतना एक्नॉलेज किया गया होगा, एक ग्रेटेस्ट फिलोसफर माना गया है. ओके तो क्या हुआ हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग? क्यू पी आर एस. ओके इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने आर से स्टार्ट किया होता, मुझे लगता है अलेक्जेंडर हूम नहीं हो रहा ना, तो ये नहीं होगा. ऐसे करके भी कर सकते हैं ऑप्शन में कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा? फिर ये होगा. ओके अब हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. ओके एंटरप्रेन्योर की क्या होगी करेक्ट स्पेलिंग? ई एन टी आर ई पी आर ई एन ई यू आर. ओके याद रखना है. नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बताना है हमें, कौन सा है? द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़,
जो तीन वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए ए रेडिकली डिफरेंट अप्रोच फॉर द डिसमिनेशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन व्यू ऑफ द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रॉब्लम. यू नो रेडिकली मतलब मौलिक रूप से जो तीन वर्ल्ड कंट्री है उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए एक डिफरेंट, यू नो यहाँ पे ए आया ना, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे रेडिकली डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए था अप्रोचेज के प्लेस पे. ओके डिसेमिनेशन क्या होता है? प्रसार, जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है ना उसका प्रसार में, इन व्यू ऑफ द नेचर एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण प्रॉब्लम का. ओके मैंने आपको एक दो मीनिंग भी बता दिए यहाँ पे, थोड़ी हेल्प हो जाएगी. हाँ अब ये करते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट. द ट्रैवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ़ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन. ओके तो ट्रैवलर ने क्या किया, ट्रैवलर सेड टू द फार्मर, ये तो सब में है पता चल रहा है आपको. यू नो कुड किसका होता है चेंज, अब आप बताओ कैन का हम कुड करते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, तो कैन वाले हमारे दो सेंटेंस हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. अब ऑप्शन सी देखते हैं, कैन यू टेल मी वेयर इज वे टू द नियरेस्ट इन. ओके और एक है कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए. वेयर इज द वे ये तो चेंज ही कर दिया, ये तो पता नहीं क्या कर दिया सी वाला, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे डी हो गया. तो बहुत आसान था इसको फाइंड आउट करना. तो ओके नेक्स्ट देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ इसकी. ओ गॉड डोंट पुट मी टू द टेस्ट, भगवान मेरी परीक्षा मत लो. ओके मुझे परीक्षा में मत रखो. तो ये किसने कहा, मतलब सैड आए तो कैसे करेंगे, भगवान से प्रे किए ना, तो आई प्रे टू गॉड. ओके आई प्रे टू गॉड नॉट टू पुट मी टू द टेस्ट. ओके भगवान मेरी और परीक्षा मत लो. दिस वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू रेटिसेंट. रेटिसेंट क्या होता है, जो क्या होते हैं कम बोलते हैं, यू नो एकदम साइलेंट क्वाइट, यू नो कम बोलने वाले, रेटिसेंट रिजर्व. ओके तो क्या हुआ इसका अपोजिट बताओ आप, फिर क्या होगा इसका अपोजिट हो जाएगा वोकल. ओके यहाँ पे हमें इसका एंटोनिम बताना है. द यूएस सीनेट रिफ्यूज्ड टू रेटिफाई द सीटीबीटी, तो सबसे पहले तो हमें रेटिफाई का मीनिंग पता होना चाहिए तभी तो हम इसका क्या बताएंगे अपोजिट बता पाएंगे. तो क्या होता है रेटिफाई करना, यू नो रेटिफाई मतलब पुष्टि करना, और अपोजिट क्या हो जाएगा रिजेक्ट करना, रिजेक्ट कर दिया हमने. ओके अब हमें सिनोनिम बताना है पेनिटेंस का. क्या होता है पेनिटेंस का सिनोनिम, पेनिटेंस क्या होता है, पेनिटेंस में होता है पछतावा. रिपेंटेंस में भी क्या होता है पछतावा. सॉरी अब एक्टिव वॉइस बनाओ इसका. यू नो द क्लोन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय देम. ओके वाज बीइंग यू नो किसका बना होगा वाज बीइंग, ये बना होगा पास्ट इंडेफिनिट का, सॉरी ये बना होगा पास्ट कंटिन्यूस का. पास्ट कंटिन्यूस में आता है ना वाज वर, फिर उसका चेंज करते हैं बीइंग लगा के, तो हमें कौन सा सेंटेंस चाहिए जिसमें बाज या वर आ रहा हो. तो ऐसे सेंटेंस कौन से हैं, दो हैं, देवर लाफिंग एट द क्लाउन एंड देवर लाफिंग ऑन द क्लाउन. ओके और लाफ के बाद क्या आती है प्रीपोजिशन एट, तो क्या हुआ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी देवर लाफिंग एट द क्लाउन. ओके अब हमें बताना है पैसिव वॉइस बताना है इसमें भी. रेन डिस्टर्बड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. रेन ने क्या कर दिया बारिश ने डिस्टर्ब कर दिया लास्ट डे का प्ले इंडिया और श्रीलंका के बीच में. ओके तो आप बताओ क्या होगा फिर यहाँ पे, पैसिव वॉइस बताना है इसका, तो बनाओ क्या बनेगा आपके अकॉर्डिंग. द लास्ट डेज प्ले शुरू तो यहाँ से होगा बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, अब ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट में है ना, ये वर्ब सेकेंड फॉर्म आ रही है, जस्ट सेकेंड ये सेकेंड फॉर्म आ रही है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में है ये, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलते हैं पैसिव वॉइस में, किसने बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूस में. तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है बाजवर आता है, लेकिन बाजवर तो सब में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर हम इसको ऐसे लगाते हैं द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका बाज आएगा, यू नो क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है बाज डिस्टर्बड बाय रेन, तो कौन सा हो गया, तो ऐसा तो मुझे लगा ऑप्शन नंबर सी है. ओके ये हमारा
करेक्ट है, क्योंकि इसमें तो ता हटा दिया बी में तो. नेक्स्ट देखते हैं, हु कॉल्ड हैमलेट ए ड्रामेटिक फेलियर. बताओ किसे कहा है, हैमलेट को किसने कहा है आर्टिस्टिक फेलियर, ड्रामेटिक फेलियर. ये कहा है T.S. इलियट ने. ओके T.S. इलियट ने उसको क्या कहा है, आर्टिस्टिक फेलियर. यू नो हैमलेट क्या था, आपको पता है T.S. इलियट ने उनको ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हैमलेट लास्ट तक अपना डिसीजन ही नहीं ले पाया. वो डिसीजन लेने में क्या हो रहा था, यू नो बार बार हेजिटेट हो रहा था, समझ नहीं पा रहा था चीज़ों को, तो इंटेलेक्चुअल था ना तो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, तो इसी वजह से क्या होता है उसका डाउनफॉल हो जाता है. तो इसके T.S. इलियट ने हैमलेट को क्या कहा है, ड्रामेटिक फेलियर. किसने कॉइन किया ये फ्रेज, थिएटर ऑफ द अपसेट, मार्टिन एसलिन ने, पता ही होगा आपको. सी एंटर्ड इन टू द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर. एंटर्ड के साथ प्रीपोजिशन इन टू नहीं लगती जब रूम में प्रवेश करते हैं तो सॉरी तो यहाँ हो जाएगा सी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर. अब मैं यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, हिज टी शर्ट्स आर लूज, ठीक है सही है. माई बूट्स आर पॉलिश्ड, ये भी ठीक है. द कैटल इज नहीं आना था यहाँ पे, कैटल प्लुरल होता है ना, क्या आना था यहाँ पे, यहाँ पे आना चाहिए था आर. ओके तो हमारा यही ऑप्शन ठीक हुआ. हमें कौन सा बताना था, इनकरेक्ट. हर हेयर इज थिक, ये ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्म बतानी है. माई टीचर ओफन सेज टू मी, अब चेंज करना है इसको, बताओ आप क्या होगा. इफ यू यू नो आई प्रोनाउन चेंज करेंगे तो आई का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग. तो माई टीचर ओफन सेज टू मी इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए. अब बताओ यहाँ पे क्या है, एरर किस पार्ट में है. बेबीज डोंट ग्रो एट ए स्टेडी रेट बट इन स्टेप्स एंड स्टार्ट. बेबी क्या होते हैं, एकदम स्थिर दर पे नहीं बड़े होते ना, कैसे स्टेप में बड़े होते हैं वो स्टार्ट में. नो एरर, सब ठीक है, कोई एरर नहीं है. ओके नेक्स्ट, पैन इज माइटर देन द सॉर्ड, ये फिर से आ गया, मेटोनमी का एग्जाम्पल है, मैंने बताया था ना पैन चेंज ऑफ नेम. पैन से क्या मतलब है यहाँ पे, पावर ऑफ राइटिंग. हार्ड टू प्लीज, एक वर्ड बताना है. फास्टिडियस, फसी, यू नो जिन्हें खुश करना मुश्किल होता है, जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होते. गिफ्ट ऑफ द गैप, एक बोलने की होती है पावर ऑफ एलोक्वेंस. नेता कैसे होते हैं, नेताओं के पास बहुत अच्छी होती है गिफ्ट ऑफ द गैप. ओके राजनी बाज डिप्राइव्ड हिज, उसको वंचित कर दिया उसकी जो एंसेप्टल प्रॉपर्टी थी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी. तो डिप्राइव्ड के साथ प्रपोजिशन कौन सी चलती है, ऑफ. राज को डिप्राइव कर दिया उसकी प्रॉपर्टी से. द वर्ड फ्लेयर, अब बताओ जो वर्ड फ्लेयर है ये कौन सी प्रिपोजिशन को फॉलो करता है. ये हमारा जो सेंस है ना ये डेवलप होता है रीडिंग से कि किसके बाद क्या प्रिपोजिशन आएगी. यू नो फ्लेयर जो है वो फोर को फॉलो करता है. ओके क्या मतलब होता है इसका फ्लेयर का, यू नो एक कौशल, यू नो हमारी जो एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, यू नो किसी किसी के पास क्या होते हैं गॉड का दिया हुआ गिफ्ट होता है, टैलेंट होता है, यू नो तो एक नेचुरल एबिलिटी, यू नो कुछ करने की. ओके उसको बोलते हैं फ्लेयर. तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, सी हैज़ ए फ्लेयर फॉर लैंग्वेजेस. ओके या फिर जैसे मैं बोल दूँ सी हैज़ ए फ्लेयर फॉर डांसिंग. ओके होता है कुछ लोगों का. स्पैरो के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे होस्ट. जैसे डैफोडिल्स के कलेक्शन को मैंने एक दिन पढ़ाया था, उसको भी होस्ट बोलते हैं. ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस नाइट नहीं होती, क्या कर दिया ये एडजेक्टिव ट्रांसफ़र कर दिया, नाइट थोड़ी ना स्लीपलेस हुई, उसने वो हुआ ना स्लीपलेस, वो नहीं सो पाया तो क्या हुआ ये ट्रांसफ़र एपिथेट. यू नो जैसे क्या बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, तो बर्थडे थोड़ी हैप्पी होता है, हम होते हैं बर्थडे के दिन अपने खुश, हम हैप्पी होते हैं. एंटोनिम देना है प्रैग्मेटिक का, क्या होता है प्रैग्मेटिक, यू नो आइडियलिस्टिक. जस्ट ए सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो रही है. ओके अब हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट. द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, ये ऐसे चलता है, बहुत पहले पढ़ा था मैंने ये. द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, मतलब जितना कमाते हैं ना लोग उतना ही खर्च करते हैं.
जैसा कोई जितना कमाता है उस हिसाब से खर्च करता है, यू नो. जैसे हम पढ़ सकते हैं कि द मोर वी स्टडी द मोर वी गेट मार्क्स, यू नो, जितना हम पढ़ेंगे उतने हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे. ओके ओके, अब हमें ये पैसेज पढ़ना है केयरफुली. मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, मतलब जल्दी में, आप अच्छे से पढ़ लेना. अनटिल वेरी रिसेंटली इट वॉज यूनिवर्सली बिलीव्ड, ये यूनिवर्सली विश्वास किया गया है, माना गया है कि मैन आर कॉन्जिनेटली, कॉन्जिनेटली क्या होता है, जन्मजात, मोर इंटेलिजेंट, मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं देन वुमेन, वुमेन से, मतलब ऐसा माना गया है यूनिवर्सली कि वुमेन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है मैन जन्मजात. इवन सो इनलाइटेड ए मैन एज स्पिनोज़ा डिसाइडेड अगेंस्ट वोट्स फॉर वुमेन ऑन दिस ग्राउंड, यू नो, वुमेन के वोटिंग पे, ग्राउंड पे उसने डिसाइड किया है ये. अमंग वाइट मैन, अब वाइट मैन के बीच में क्या है, ये माना गया इट इज़ हेल्ड दैट वाइट मैन बाई नेचर आर सुपीरियर टू मैन ऑफ अदर कलर्स. जो वाइट मैन है ना नेचर से, वो कैसे होते हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर हैं. अंग्रेज़ों ने भी तो ये बात बोली थी कि जो काले लोग हैं ये इतने पढ़े हैं, मतलब कुछ जानते नहीं हैं, तो वाइट मैन को ज़्यादा सुपीरियर माना था दूसरे कलर से, स्पेशली ब्लैक वाले से. ओके, स्पेशली टू ब्लैक मैन, मतलब कालों से ज़्यादा उन्हें ज़्यादा होशियार माना था वाइट मैन को, अंग्रेज़ों ने कह के भी गए थे, यू नो. मैं काले वाला स्टेटमेंट आपको याद होगा. तो और जापान में, यू नो, ऑन द कंट्री इसके विपरीत क्या होता है, इट इज़ थॉट, ये ऐसा माना गया है कि येलो इज़ द बेस्ट कलर, वहाँ पे येलो को बेस्ट कलर माना गया है पीले को. और हयाती में क्या हुआ है, वैन दे मेक स्टैचू ऑफ क्राइस्ट एंड सैटन, जब उन्होंने क्राइस्ट का और सैटन का स्टैचू बनाया, तो दे मेक क्राइस्ट ब्लैक एंड सैटन वाइट. तो उन्होंने क्या किया, क्राइस्ट को तो ब्लैक बनाया और सैटन को वाइट बनाया. अरिस्टोटल और प्लेटो ने, देखो यहाँ पे क्राइस्ट को ब्लैक बनाया है और जो सैटन है दुष्ट है उसको वाइट बनाया है. अरिस्टोटल ने और प्लेटो ने कंसिडर किया जो ग्रीक्स है ना वो इनेटली, यू नो, इनेटली मतलब जनजात सुपीरियर है किससे, बारबेरियन से. बारबेरियन किसको बोलते हैं, अनसिविलाइज्ड. ओके, उनसे ज़्यादा सुपीरियर है. दैट स्लेवरी वाज जस्टिफाई सो लॉन्ग एज द मास्टर वाज ग्रीक, यू नो, जो मास्टर है उसको ग्रीक माना गया और जो स्लेव है ना, जो गुलाम है उसको बारबेरियन माना गया, यू नो, ऐसा भी है, अनसिविलाइज्ड माना गया. ओके, थोड़ा सा पढ़ दिया मैंने एट ए, मतलब ब्राइफ में पढ़ दिया, अब आप देख लेना इसको अच्छे से. कॉन्जिनेटली क्या बताया था मैंने, इसका मतलब इनेटली, यू नो, जन्मजात, इसका मतलब ये तो हुआ, आया था ना ऑप्शन में, दो जगह आया है. ओके, स्पिनोज़ा ने डिसाइड किया है अगेंस्ट वोट्स फॉर वुमेन बिकॉज क्या, उनको माना गया कि वो नेचुरली ना क्या होती हैं, लेस गिफ्टेड होती हैं इंटेलिजेंस में, मतलब भगवान के हाथ से ही ना ऐसा माना गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चलो माना है उन्होंने, कोई बात नहीं. तो उन्होंने माना है नेचुरली क्या है, वो लेस गिफ्टेड है इंटेलिजेंस से. ओके, मतलब उनके पास बुद्धि कम मानी है. हयाती में क्या हुआ है, क्रिसमस क्राइस्ट का स्टैचू बना ब्लैक में और सैटर्न का बना वाइट में, क्योंकि पीपल क्या मानते थे वहाँ के, क्या मानते थे बताओ क्या होगा इसके अकॉर्डिंग आंसर, कि जो सारे वाइट मैन है ना वो इविल हैं, सारे जो अंग्रेज लोग हैं वो इविल है ना, बुरे हैं, तभी तो उन्होंने क्राइस्ट का स्टैचू किस में बनाया, ब्लैक में बनाया. ओके, अपोजिट कलर बनाया उन्होंने. और सैटर्न को कैसा बनाया, वाइट बनाया, क्योंकि वाइट कलर को उन्होंने क्या माना है, वाइट मैन को इविल माना है, बुराई माना है. ओके, प्लेटो और अरिस्टोटल ने सपोर्ट किया है स्लेवरी को, गुलामी को, बिकॉज दे थॉट, उन्होंने क्या सोचा, मतलब लास्ट में आया था ही, क्या सोचा उन्होंने कि जो ग्रीक्स है ना वो बारबेरियन से, अनसिविलाइज लोगों से कैसे हैं, सुपीरियर हैं. द ऑथर बिलीव्स दैट, अब अच्छा आप बताओ, ये सब जो दिखाया है ना, कहीं येलो को सुपीरियर माना है, कहीं ब्लैक को सुपीरियर माना है, कहीं वाइट को सुपीरियर माना है, कहीं मैन को सुपीरियर माना है, तो इसका मतलब क्या है. यहाँ तो जगह जगह पे लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है ना, कोई कुछ बिलीव कर रहा है, कोई कुछ बिलीव कर रहा है. तो ऑथर ने ये दिखाने की कोशिश की है, इसमें क्या दिखाने की कोशिश की है बताओ, ये दिखाने की कोशिश की है कि कलर्स हैव नो रिलीवेंस टू सुपीरियरिटी, कि रंग का सुपीरियरिटी से कुछ लेना देना नहीं है. ओके, रंग से डिसाइड नहीं होगा किसी व्यक्ति के कि वो सुपीरियर है या नहीं है. ओके, वो रिलीवेंट नहीं है. ओके, लिरिका वैलेट पब्लिश हुआ है 1798 में, 19 पोएम्स का कलेक्शन था, वर्ड्सवर्थ का और कॉलरिज का. ओके, नहीं 23 पोएम्स का कलेक्शन था. ओके, मैं कन्फ्यूज़ हो गई. नेक्स्ट देखो, वॉट वॉज द रियल नेम ऑफ बेलिंडा इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉक, रियल नेम क्या है बेलिंडा का,
पॉप स्टार रेप ऑफ द लोक में बेलिंडा का नाम है अरेबेला फार्मा. ओके ड्रायडन का ऑल फॉर लव लिखा है ब्लैंक वर्स में, मैं ऑलरेडी बताया ये ऊपर भी बताया इसी क्वेश्चन में, मतलब किसी क्वेश्चन में बताया है. जोफ्री चोसर्स बिलोंग करते हैं कौन सी सेंचुरी से, 14th सेंचुरी से. ओके कंसीट का मतलब क्या है, कंसीट जो है वो बिलोंग करती है मेटाफिजिकल पोइट्री से. मेटाफिजिकल पोइट्री में कंसीट क्या है, मतलब जो मेटाफिजिकल कंसीट है उसमें माना गया है कि मतलब इसको एक एक्सटेंडेड मेटाफर माना गया है. इस तरह से चीज़ों का कंपेयर किया गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा ऊँचे लेवल पे. कैसे, जैसे मैं आपको एक कंपेयर करके बताती हूँ एक एग्जांपल कि ए ब्रोकन हार्ट इज लाइक ए डैमेज्ड क्लॉक. ओके मतलब एक ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल की तुलना किससे की गई है, एक डैमेज्ड क्लॉक से. तो क्या हुआ ये एकदम मेटाफर की पराकाष्ठा हो गई, एक्सटेंडेड मेटाफर. ओके ऐसा सिग्निफिकेंस किया गया है मेटाफिजिकल पोइट्री में कंसीट का. ओके नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने कॉइन किया है, मैं बता चुकी हूँ किसने कॉइन किया था, कीट्स ने, और इसका प्राइम एग्जांपल माना था उन्होंने शेक्सपियर को. ओके ऑलरेडी बताया है मैंने आपको. हु इनन्शिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टच स्टोन मैथड, टच स्टोन मैथड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, वो दिया है मैथ्यू नोड ने. ओके अब ये टच स्टोन मैथड होता क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ अपने शब्दों में. आपको पता होगा कि लिसिडस को माना है टच स्टोन, लिसिडस को माना है. अब अगर हम जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि जैसे हम मान लो लिसिडस को टच स्टोन माना है. ओके तो अब अगर उसके बाद मतलब जो भी वर्क लिखा जाएगा तो मतलब बाद में तो जो वर्क लिखा जाएगा अगर उसकी कंपेयर हम मतलब लिसिडस से करेंगे तो हमें हम उसके कंपेरिजन करके तब डिसाइड करेंगे कि वो वर्क इतना वर्थी है या नहीं है. ओके मतलब वो वर्क लिखा हुआ इतना योग्य है या नहीं है, मतलब कोई चीज़ को इतना एक प्राइम एग्जांपल पे रखना और फिर उसकी कंपैरिजन और चीज़ों से करना. ओके मतलब एक कंपरेटिव मेथड है क्रिटिसिज्म का ये जो टच स्टोन मैथड है. ओके ओके आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है ओके तो मैथ्यू नोल ने दिया है ये कॉन्सेप्ट. हु इज़ द रियल मैन्युफैक्चरर ऑफ द पिप इन डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन, कौन है रियल मैन्युफैक्चरर, कौन है आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा मैगविच है. ओके गैब्रियल ओक करेक्टर कहाँ पे है, हार्डी के किस नॉवल में है, आपको याद रखना है. देखो ऐसे डायरेक्ट करेक्टर पूछे जा रहे हैं करेक्टर का नाम देके, तब आपको क्या रेडी करना है, आपको ये रेडी करना है कि हमारे किस प्ले में कौन सा करेक्टर है. ओके तो ये करेक्टर है हमारा फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का. ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं. जी बी शाह ने प्रोफाउंड मतलब एक्सप्लेन की है फिलोसफी ऑफ लाइफ फोर्स, किस में की है ये बताना है हमें, तो वो की है मैन एंड सुपरमैन में. ओके जो निजिम इज़िकाइल है उनकी पोएम है बैकग्राउंड कैजुअली, वो लिखी गई है किसके बारे में है, वो निजिम इज़िकल की पोएम जो है वो है उनके खुद के लिए हिमसेल्फ. ओके जो स्टेटमेंट है ऑल एनिमल्स आर इक्वल, कुछ एनिमल्स तो इक्वल हैं बट सम आर मोर इक्वल, बट कुछ ज़्यादा इक्वल हैं, ये बहुत पॉपुलर वो है, आपको पढ़ा होगा आपने ये बीए में. ठीक है तो ये है एनिमल फॉर्म का. हेयर इज गॉड्स प्लेंटी फॉर हुम डिड ड्राइडन मेक दिस स्टेटमेंट. ओके ये ड्राइडन ने किसके लिए दिया है स्टेटमेंट, तो ये दिया है चोसर के लिए. ओके टेम्पेस्ट की बेसिक थीम क्या है, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम, ये लास्ट कंप्लीट प्ले है शेक्सपियर का और आपको पता होगा प्रोस्पेरो लास्ट में क्या करता है, सबको माफ़ कर देता है ना, तो इसकी थीम वही है फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम. अब आप यहाँ बताओ ए रफ बीस्ट दैट स्लाउच टुवर्ड्स बैथिलियम इन द सेकंड कमिंग सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है वो, वो सिग्निफाई करता है कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट. ओके कैंटरबरी टेल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है, तो इसके बारे में ट्रू है मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, जो कैंटरबरी टेल्स है ना वो अनफिनिश्ड रहता है एट द टाइम ऑफ इट्स ऑथर डेथ, ऑथर की डेथ के समय वो अनफिनिश्ड रहता है. ओके मुल्कराज आनंद का जो नॉवल है वो नरेट करता है एक दिन इन द लाइफ ऑफ बाखा. अब बाखा करेक्टर मुल्कराज आनंद पढ़ा हो किसी ने और बाखा ना पढ़ा हो ही नहीं सकता, किसका करेक्टर है ये अनटचेबल, अनटचेबल से आ जाता है क्वेश्चन. इन अप्सलम एंड एस्ट्रोफल में कौन है
किंग डेविड, ये बताना है. तो वो हैं चार्ल्स, जस्ट अ सेकेंड, वो हैं चार्ल्स सेकेंड. ओके, मैन ऑफ इंग्लैंड, वेयर फॉर प्लो फॉर द लॉर्ड्स हु ले ये लो, वेयर फॉर वी विद टॉयल एंड केयर द रिच रोप्स योर टायरेंट्स बियर. बताओ ये लाइन किसकी है. अब अगर आपको ये भी पता हो ना कि आपको वर्क के नाम भी पता हो तब भी आप इसका आइडिया बता दोगे लगा के. अगर आपको ये पता हो कि सैली का एक वर्क है ए सॉन्ग मैन ऑफ इंग्लैंड, तो आप यहाँ से इसको रिकोगनाइज कर लोगे. कहाँ से? इस वर्ड से. ये वाला हमारा की वर्ड है मैन ऑफ इंग्लैंड. ओके, सैली के वर्क से है ये, ए सॉन्ग मैन ऑफ इंग्लैंड से है. ठीक है, ओके. ये मैंने पहले भी पढ़ाया ये कोट, फिर से पढ़ लेते हैं. ब्लिस वाज इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन. ओके, पलूट की है ये वर्ड्सवर्थ में. और इसमें क्या, सॉरी जस्ट सेकेंड, और इसमें क्या कहा है प्रलूड में, यू नो लाइन में क्या कहा है. पोएट ना गैस करता है एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस. ओके, क्या एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है? जब हम अर्ली उठते हैं ना, आफ्टर स्लीप, और वो भी कब? ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड के समय जब हम जल्दी उठते हैं सोने के बाद, उन दिनों की बात को, उस हैप्पीनेस को याद कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ. और जब तुम क्या फील करते हो कि तुम क्या हो, यू आर इन द हेवन इट्सेल्फ, तुम खुद भी क्या हो, एक स्वर्ग में अपने आप को फील करते हो, ऐसी ही फीलिंग की बात की है. चार्ल्स डिकेंस का करेक्टर योर हम्बल सर्वेंट कौन है, हु अमंग, आपको बताना है. ये है यूरिया हीप. ओके, आप बताना है रेफरेंस मोटगुन को लेके 46 में, बताओ कौन है, किस में है. डब्ल्यू पी इट्स की है ना ये, प्रेइंग प्रेयर फॉर माई डॉटर. ओके, डीबीसा का कौन सा प्ले जो है विक्टिम बन जाता है सेंसरशिप का, तो बताओ आप कौन सा बनता है, बनता है फ्लैंडर. ओके, करेक्ट सिक्वेंस बताना है टी एस इलियट का, बताओ आप कौन सा है. द वायल ऑफ द डेड, ए गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाई वोटर, वोट द थंडर सेट. ओके, मॉर्निंग वॉक में निजिम एजिकल बात करते हैं, बारबरिक सिटी सिक विद स्लम्स, डिप्राइड ऑफ सीजन, ब्लास्ट विद रेन. कौन सी सिटी की बात चलिए, आपको वैसे ही पता होगा मुंबई में स्लम एरिया ज़्यादा है, तो आप स्लम से रिलेट कर सकते हो. अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तब भी आप बता सकते हो कि किसकी बात चल रही है, मुंबई की बात चल रही है. ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद, ये लाइन कहाँ पे है, थॉमस हार्डी के नॉवल की बतानी है आपको. तो ये लाइन है टेस ऑफ द अर्वरबिल से. ओके, हमारा ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन. ओके, थैंक यू.